चलो देखते हैं, सच पास, बिग डैडी ऑफ ऑल पासेस। चलो भाई रुको, चलो भाई चलान हो गया। आगे धार चलती रहती है, पत्थर गिरते रहते हैं, कृपया सावधानी पूर्वक चले भैया। गुड मॉर्निंग गाइस। तो जैसा कि पिछली सीरीज में हमने बताया था एंड में कि अगली बार कहाँ जा रहे हैं, तो भैया इस बार जल्दी निकल गए वहाँ के लिए। तो फिलहाल सुबह के बज रहे 8:30 और निकल चुके हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए। तो आज तो फिलहाल हम डायरेक्ट नहीं पहुँच पाएंगे, जो कि कल जाएंगे। आज हम उससे पहले डलहौजी से आगे जगह पड़ती है, तो वहाँ पर आज रुकने का प्लान है और कल निकलेंगे सच के लिए। तो डलहौजी जाने के 2 रास्ते हैं, एक यहाँ चला गया मोहाली होते हुए, हम लोग जा रहे हैं राजपुरा होते हुए, क्योंकि ये दोनों ही हाईवे है, बट ये उसके मुकाबले ज़्यादा सही हाईवे लग रहा है, एकदम सीधा है। और इधर चूँकि हमें सिटी का ट्रैफिक मिल सकता है, यहाँ हम सिटी से बार बार जा रहे हैं। तो ये हो गए हम लोग लुधियाना वाले हाईवे पे कनेक्ट, और अभी सीधा हमें ले जाएगा लुधियाना। और दिन क्या होता है कि हम लोग जाते हैं हिमाचल होते हुए, आज हम जाएंगे पंजाब होते हुए, पंजाब के खेतों से। ये नागिन, तो व्हाइट ट्रक आ रहा है, उससे ना नागिन हॉर्न बजवाते हैं। बजा दिया भाई बंदे ने, बजा दिया। ओ, सही था सही था। ये सही लगता है वरन यार। एक कैमरा, चलो भाई रुको, चलो भाई चलान हो गया, पता ही नहीं चला। चलो भाई चलान हो गया, चलो भैया चलान कट गया भैया, ओवर स्पीड का यार। इतनी ओवर स्पीड नहीं थी हमारी, इतनी तो नहीं थी, पर इन्होंने एकदम 90 में फिक्स कर रखी होगी। हाँ वो कह तो रहा एकदम 90 करेक्ट, और ये भी कह रहे कि चेक कर लो यार। नहीं थोड़ा वो 90 से तो ऊपर थे हम। हाँ 90 पर जितने वो कह रहे 100 नहीं थे हम, 95 तक थे। अरे आइडिया नहीं था ना, क्योंकि ये देखो फटा 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 फटा। चल भाई भैया तो पंजाब में होता नहीं था, पर ये अभी ना नए नए लगे हैं कैमरे, इनको नई नई मिली है मशीन ने। चलो इसके मजे ले रहे हैं। तो कि पहले मजे इस और स्टेटों ने ले लिए, अब ये लोग ले रहे हैं। पर अब अपना 90 पे चलते हैं, क्या तो हो रहा है कि भाई है नहीं आगे। तब फोन करा देंगे, अभी दे के आ रहे हैं हम। ओ ओ ओ ओ नो नो नो। तो चलो भैया फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं लुधियाना, और अब तो क्या है ना, अब शायद इसमें कोई स्पीड का वो नहीं होगा नाक का, पूछ लिया था उनसे, कहते आगे कोई नहीं है। तो एक हाईवे पे एक ही नाका है और उसमें हमारा चालान कट गया है। ये देखो हमारे यहाँ गाड़ी चल रही है, इसका लोगो देखो आप। बेंटली है वो, बेंटली चल रही है हमारे आगे, कुछ भी मतलब, पर जो भी है सही लग रही है गाड़ी, भाग रही है वो भी बहुत। तो चलो भैया एक गलत कट ले लिया है, और अपने को अब आगे से यूटर्न लेना पड़ेगा, हमने पठानकोट के लिए राइट लेना था, बहुत लंबा है भाई, यहाँ से ले लेना नीचे, नहीं तो इधर तो रही निकास की। अरे भाई मैं पीछे जाना था ना, यहीं से है उसके बाद फिर फ्लाईओवर है। अच्छा मतलब वहीं से यूटर्न लेके वापस आना पड़ेगा। तो भाई थोड़ा सा गलत हो गया था रास्ता, जो कि हमें जाना है पठानकोट वाले रास्ते पे, ये जो आगे सीधा जा रहा है अमृतसर, तो अब यहाँ से यूटर्न लेते हैं। तो वैसे कहने को तो ये NH है, पर यहाँ देखो हाईवे पे सारी पार्किंग लगा रखी है, समझ नहीं आ रहा हम गली में घुस गए हैं या हाईवे गली में बना हुआ है। तो पठानकोट यहाँ से अब रह गया 50 किलोमीटर,
और यार भूख सी लगने लग गई है, कहीं गाड़ी रोक के ना कुछ खाने को लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो हमारे पड़ी है, चिप चुप से पड़े हुए। चलो भाई ट्रेन के साथ रेस लगाते हैं, बगल में चल रही है हमारा ट्रेन। हैं ये क्या इनको पहले क्या, पहले इन्होंने हमारा रास्ता बंद कर दिया। तो भाई रास्ता बंद है, सॉरी यार, ट्रेन इतने भग भी ली, ले 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 निकल गई, बच गई ट्रेन, आज तो गई थी नहीं तो। तो चलो भाई यहाँ से जरा यार कोल्ड ड्रिंक निकाल ले। तो यहाँ एक शॉप थी, यहाँ से तो मैंने कुरकुरे वगैरह ले लिए, यहाँ से ले लेते हैं। तो भाई ये फ्रिज रखा हुआ गाड़ी में, और इससे ले लिया मैंने कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक नहीं, लाहौरी, ये लाहौरी बेस्ट रहता है। मजा आ गया भाई खा के तो। पहली बार प्लेट चाट के खाई हमने। यार ये जो रोड किनारे मिलता है ना, ये सही मिलता है, एकदम चटपटा मिलता है अपने टेस्ट का, ताजा बिल्कुल। होटल वगैरह में क्या होता है ना, वो एक नॉर्मल सा बना के रखते हैं, उसमें इतना मिर्ची मुर्ची नहीं होती है। ये जो था ना मस्त बना रखा था उन्होंने अमृतसरी नान, मजा आ गया। ये है हाईवे 154A डलहौजी रोड, तो ये अंदर अंदर की रोड है। तो रोड देखो थोड़ी छोटी है। हम लोग एंटर हो चुके हैं हिमाचल में। अब यहाँ से जो अपना होटल रह गया ना, जो अपन ने सोचा रुकने के लिए आज, तो वो एक घंटा रह गया यहाँ से। और अभी टाइम तो है वैसे कुछ भी नहीं हुआ, 2:35 ही हो रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग तो हम लोग 3:30 या मैक्सिमम 4 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे। तो देखते हैं, वरना थोड़ा और जितना रास्ता कवर कर सके तो उतना आगे चले जाएंगे। पर भाई ये वाली जो रोड है ना, इस रोड पे ना मोड़ बहुत है, मोड़ है। आप इसमें अंदाज़ा लगा लो कितने मोड़ है। तो फिलहाल तो यार हमने जो होटल लगाया था ना अपने गूगल मैप में घर से, तो वहाँ तो हम लोग अभी आ गए थे, लेकिन अभी टाइम कुछ भी नहीं हो रहा है, 3:15 हो रहे हैं, 3:15। और अभी तो हम लोगों ने क्या ना उसको क्रॉस कर दिया, क्योंकि यहाँ से फिर सच का रास्ता 4:30 घंटे दिखा रहा है, तो कल के लिए ज़्यादा बड़ा हो जाएगा रास्ता, इसलिए आज और कवर कर देते हैं जितना कर सकते हैं, ताकि कल के लिए हमारे पास रास्ता कम रहे। और भाई मौसम यहाँ पे आते ही हो गया, हो चुका है कुछ बिगड़ सा गया, इस तरह तो साफ पड़ा है, लेकिन इधर को काला और का मौसम जहाँ को हमने जाना है। और भाई अपनी गाड़ी में तेल भी हो चुका है, अभी हाफ टैंक हो चुका है। तो हाँ, हमारा तेल भी हाफ टैंक हो चुका है। अब गोली कोई जगह है जहाँ पे, वहाँ पे पेट्रोल पंप है, तो वहाँ पे तेल डलवाते हैं पहले अपनी गाड़ी में, क्योंकि अब क्या है ना पहाड़ों में आ चुके हैं, और इधर का अपने को आइडिया भी नहीं है कि आगे होगा या नहीं होगा, तो हाफ में डलवा देते हैं जितना हो जाएगा, और बाकी ये तो सच पास तो क्रॉस कराई देगा। तो चलो भाई आ चुका है पेट्रोल पंप, तो डलवाते हैं इसमें पेट्रोल। छोटा ही पंप है, देखो भाई एक टाइम पे एक गाड़ी लगने की जगह है। रहसा है कुछ यहाँ से गाँव का नज़ारा। तो चलो भैया 5120 रुपये का डीजल आया है अभी फिलहाल गाड़ी में, क्योंकि अपना हाफ टैंक से भी नीचे चला गया था। तो चलो निकल रहे हैं यहाँ से, और टाइम 3:39 हो गया है। अब देखते हैं कितना और तक करते हैं कवर, कहीं सही सा होटल मिल जाएगा तो वहाँ रुक जाएंगे। फिलहाल यहाँ से जो सच पास दिखा रहा है वो 4:15 घंटे दिखा रहा है। तो ये जो आप सामने देख रहे हो ना, ये है चमेरा डैम, और भाई काफी आगे तक है ये। यहाँ चाय की दुकान दिख गई है, तो वहाँ चाय पीते हैं, और वहाँ भैया से पता करते हैं होटल का भी। चलो आ जाओ। तो चलो भाई यहाँ से चाय तो पी लिया, एक होटल था यहाँ पे, वहाँ पता किया, पर वहाँ तो रूम है नहीं। और यहाँ से ना एक ऊपर एक रूम जगह था होटल, बट वहाँ पे क्या हम लोग गए थे नेटवर्क कम आ रहा था। तो अब इसी रोड पे चलते हैं जहाँ सच के लिए जाना है हमने, और
भैरवगढ़ के करके जगह आती है, वहाँ तो काफ़ी होटल, अगर उससे पहले अगर हमें होटल मिल जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ हम लोग भैरवगढ़ निकल जाएंगे। यहाँ से 2 घंटे दिखा रहा है, फिलहाल टाइम 5 बज रहा है, 7 बजे वो पहुँचेंगे। तो आज सोच रहे थे हम लोग कि जल्दी चले गए, लेकिन अपना वही टाइम हम नाइट के टाइम पर जो पहुँचते हैं वही टाइम लग जाएगा। पर देखते हैं इस रोड पर आगे अगर होटल वगैरह मिलता है तो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ लैंडस्लाइड हो रखा भाई। और यार जैसे जैसे हम बैरगढ़ की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो भाई बातों बातों में ही भाई पहाड़ी इतनी हाइट में आ चुके हैं हम लोग। कई कई जगह पे, बहुत सी जगह पे क्या है ना, साइड में ना रेलिंग नहीं है, ग्रिल भी नहीं है। तो भैया देखने में नीचे लग रहा है डर, डर जिसे बोलते हैं डर, वो डर लग रहा है। ये देखो कहीं कहीं रोड कितनी है। फिलहाल जो टाइम है ना शाम के, देखो कितने हो चुके हैं, और अभी तक हमें होटल नहीं मिला है। अच्छा खासा हमें 3 बजे होटल मिल गया था, वो हमने छोड़ दिया, और अब होटल ही नहीं मिल रहा। तेरे को पता है जब हमारे साथ कुछ भी चीज़ हम छोड़ते हैं तो दोबारा नहीं मिलता। नहीं छोड़ना चाहिए था यार, छोड़ना ही नहीं। वो एक ना डलहौजी के नज़दीक ही सिर्फ एक जगह थी, वहाँ पे वहीं मिलने थे होटल। क्योंकि ये रूट ना वैसा जैसे हिमाचल के और जगह है ना कि जहाँ पे मतलब टूरिस्ट आता है, वैसे नहीं है। और वैसे भी जो भी यहाँ टूरिस्ट आता होगा जो मोस्टली जो डलहौजी तक ही आता होगा, तो डलहौजी था वो मेन एरिया, अब वो छोड़ दिया है। अब बैरगढ़ है जगह, अब वहाँ देखो कितनी देर में पहुँचते हैं, 1.5 घंटा दिखा रहा है अभी तो, 7:30 तक अगर पहुँचेंगे तो। पर अभी वही है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा आगे जाने के ना पीछे आने का। और कोई गाँव गूँ तो, जो भी गाँव भी आ रहे हैं ना वहाँ तो होटल ही नहीं है, कोई होम स्टे भी नहीं है, वरना वहीं रुक जाते, आज ही कर देते हैं सच में यार। सीधा मनाली चले जाते हैं। हाँ सीधा मनाली रुकेंगे। मेरे को लगता है किलाड़ पुलाड़ में भी नहीं होंगे होटल, जो हम सोच रहे थे ना कि किलाड़ रुकेंगे अगले दिन, वहां भी नहीं होगा होटल होटल, क्योंकि किलाड़ कोई रुकेगा क्यों, कोई भी नहीं रुकेगा। रुझान आ चुके हैं फल यहाँ, लेकिन सामान भी आ रखा है फल। सावधान, धार चलती रहती, आगे धार चलती रहती है, पत्थर गिरते रहते हैं, कृपया सावधानी पूर्वक चले भैया। यहाँ धार चलती है तो यहाँ पे बन रहा है ये नया पुल, और ये है अभी पुराना रास्ता, ये बन रहा है देखो नया, इसमें टाइम लगेगा अभी। और यहाँ पे क्या है ना, पानी अभी तो नहीं आ रहा भैया, वरना यहाँ पे चलता होगा पानी की धारे। ये है ना ये अभी हल्की और, अच्छा अभी तो हल्की और किया, और उसके साथ पत्थर आते होंगे, तो इसलिए वहाँ पहले ही लिखा हुआ है अलर्ट कि आगे थोड़ा संभल के चले। तो अभी तो सारी रोड की जो मिट्टी है ना वो धार ले गई है उठा के। और ये है पुराना पुल, पुल को भी ले गई, और इसके बगल में बन रहा है नया पुल। थोड़ा यहाँ पे जो है ना नीचे नदी का जो पानी का बहाव है थोड़ा तेज लग रहा है यहाँ पे। ये रहो चाहिए, अब यहाँ आके था वो, ये होटल शान देखना इसमें, ये देखते हैं फिर।